हेलो एवरीवन, टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट रिएक्शन की। किसकी बात कर रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट रिएक्शन की, जिसके अंदर वर्ड देखिए क्या आ रहा है, डिस्प्लेस करना, डिस्प्लेस किसी को हटाना, अपने नॉर्मल डेली लाइफ का वर्ड है, रिप्लेस कर दो, रिप्लेसमेंट करवा लो, रिप्लेसमेंट करवाने का मतलब बदलवा लो, है ना। तो डिस्प्लेस करना मतलब उसे उसकी जगह से हटाना। तो इसके अंदर क्या होता है, देखिए अगर आप बुक की डेफिनेशन को क्रेमिंग करके लिखोगे तो उससे बेटर कि आप उसको समझो और सिंपल सी डेफिनेशन बनाओ जिसमें आपको क्रेमिंग करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और देखिए आगे, हाईली रिएक्टिव एटम और ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस लेस रिएक्टिव एटम और ग्रुप ऑफ एटम फ्रॉम कंपाउंड ऑफ रिएक्टेंट। देखिए मैंने डेफिनेशन की, हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव का मतलब जो रिएक्टिव ज्यादा हो, और वो लेस रिएक्टिव का मतलब कोई रिएक्टेंट है उसके अंदर एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम लेस रिएक्टिव है, वो उसे रिप्लेस कर देता है, तो उस रिएक्शन को हम रिप्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब आप देखिए कैसे, जैसे CuSO4 प्लस Fe आफ्टर रिएक्शन FeSO4 प्लस Cu, CuSO4 लिखा मैंने, रिएक्टेंट है, दोनों रिएक्टेंट हैं इसलिए मैंने बीच में प्लस का निशान बनाया, रिएक्शन के बाद दो प्रोडक्ट बने इसलिए मैंने प्लस का निशान बीच में लगा दिया। और अब आप देखिए इक्वेशन बैलेंस है, कॉपर एक है, एस ऑफ और है, Fe एक है, इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड है, क्योंकि हमने जब भी इक्वेशन लिखनी है तो हमने लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन को कंप्लीट रखना है, उसमें कभी चेंज नहीं आना चाहिए। चलिए अब इसे पढ़ते हैं, इसमें क्या है, Fe highly reactive than copper, मतलब Fe highly reactive है किससे, कॉपर से, तो उसे क्या करेगा, रिप्लेस करेगा और उसकी जगह खुद आ जाएगा, इसलिए FeSO4 बना। और अच्छे से समझते हैं इसे, आप देख लीजिए एक एक्टिविटी करते हैं जिससे आपको और बढ़िया समझ आएगा कि कॉपर की जगह Fe कैसे आ गया। सबसे पहले मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और क्वेश्चन भी बहुत अच्छे बनते हैं। मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने एक्वस सॉल्यूशन डाला, किसका, कॉपर सल्फेट .5H2O, वी से इसे हम इसे क्या कहते हैं, ब्लू विटिरोल कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, ब्लू विटिरोल के नाम से, क्योंकि कॉपर सल्फेट ओनली कॉपर सल्फेट, और जब हम इसे ब्लू विटिरोल बोलते हैं तो इसमें 5H2 आता है, इसका कलर होता है ब्लू, कौन सा कलर होता है, ब्लू। हमने इसे वाटर ऐड कर दिया, एक्वस सॉल्यूशन बना ली। देन आगे क्या करते हैं, मैंने एक आयरन नेल ली, लोहे की कील, आयरन नेल लेके इस सॉल्यूशन के अंदर डाल दी। अब देखिए सॉल्यूशन किस चीज का था, CuSO4 का, प्लस लोहे की कील डाल दी, आयरन नेल पुट कर दी, देन आफ्टर रिएक्शन क्या बनेगा, FeSO4 बनेगा प्लस क्या बनेगा, Cu। अब आप देखिए क्या होगा, आयरन नेल हमने डाली, आयरन नेल का कलर क्या होता है, या हम कहें ग्रे हो सकता है, ब्लैक ग्रे आप कह सकते हो, आयरन नेल का कलर क्या था, ग्रे था, और यहां इसका कलर क्या था, ब्लू था, ठीक है। अब जैसे ही आपने आयरन नेल डाली, आयरन नेल का जो साइड है वो किसमें, सॉल्यूशन के टच में आएगा, कौन से सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, देन क्या होगा, जो कॉपर रिप्लेस होगा, आयरन किसकी जगह आएगा, कॉपर की जगह,
तो क्या बनाएगा? फेरस सल्फेट, जिससे इसका कलर ब्लू से कैसा हो जाएगा, फेडेड हो जाएगा। फेडेड का मतलब जैसे अपने कोई कपड़ा धूप में सुखा देते हैं तो उसका रंग उड़ जाता है, तो इसका कलर ब्लू से फेडेड मतलब फीका हो जाएगा। और जो कॉपर था वो हमारा कहाँ गया? कॉपर आयरन नेल के ऊपर सबमिट हो गया। किसके ऊपर सबमिट हो गया? आयरन नेल के ऊपर। तो आयरन नेल का जो कलर था वो कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? रेडिश ब्राउन। क्लियर हो गया आपको? मैं दोबारा बता रहा हूं, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया ब्लू बीटी रोल का, जिसका कलर कैसा होता है? ब्लू होता है। एक्वस सॉल्यूशन हमने लिया, उसके अंदर हमने आयरन नेल डाली। आयरन नेल का जो कलर है वो ब्लैक ग्रे आप कह सकते हो। जब हम उसके अंदर आयरन नेल डालेंगे तो आयरन है वो कॉपर को रिप्लेस करेगा और क्या बनाएगा? फेरस सल्फेट बनाएगा। और जो कॉपर यहाँ पे रिप्लेस होगा वो आयरन नेल के ऊपर सबमिट होना शुरू हो जाएगा, जिससे आयरन नेल का जो कलर ग्रे था उससे कैसा हो गया? रेडिश ब्राउन हो गया, क्योंकि कॉपर का कलर रेडिश ब्राउन होता है। और जो सॉल्यूशन था वो हमारा ब्लू कलर का था, वो कैसा हो गया? फेडेड हो गया। तो इसमें वो एग्जामिनर आपसे कई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ब्लू कलर का सॉल्यूशन फेडेड क्यों हो गया, उसका आप रीज़न बताइए, या आयरन नेल को जब अपने कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं देन उसका कलर रेडिश ब्राउन क्यों हो गया। तो आई होप ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखिए इसका नाम ही डिस्प्लेसमेंट, में एक ही एलिमेंट डिस्प्लेस कर रहा था, अब इसका नाम ही क्या है? डबल। डबल का मतलब दो होंगे। व्हेन टू रिएक्टेंट, रिएक्टेंट हम यहां लिखेंगे, टू कंपाउंड भी आ सकते हैं, कंपाउंड टू रिएक्टेंट में मैंने क्या लिख दिया? दो कंपाउंड ले ली, टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस। सिंपल सी डेफिनेशन, मतलब हमने दो रिएक्टेंट ले लिए और दोनों रिएक्टेंट कैसे होने चाहिए? कंपाउंड है, उसमें आपने एक एटम ले लिया था और एक कंपाउंड ले लिया था, लेकिन यहां पे मैंने दो कंपाउंड ले लिए, वो क्या करेंगे? अपने एटम्स को क्या कर देते हैं? आयंस को क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह सकते हैं। और अगर आप बुक के अकॉर्डिंग लिखना चाहो, व्हेन टू रिएक्टेंट एक्सचेंज देयर ग्रुप ऑफ एटम्स, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, दैट इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल देखिए आप, सिंपल सिंपल एग्जांपल जो हम हर जगह यूज करेंगे, जैसे NaOH प्लस HCl आफ्टर रिएक्शन। देखो इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, क्या बनेगा? जहां पे वाटर बाहर निकले वहां से आप वाटर को बाहर निकाल दीजिए, ये देखिए क्या बन गया, एच टू बन गया प्लस एन ए सी एल, सी एल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एन ए ने क्या किया? किसके साथ आ गया? सी एल के साथ, क्योंकि ये आयन इसकी जगह चला गया, एन ए एच की जगह चला गया, और जो ओ एच था उसके पास क्या आ गया? एन ए किसकी जगह चला गया? एच की जगह। तो क्या बन गया? एन ए सी एल बन गया और एच टू आपस में मिलकर कंप्लीट हो गया। तो आपको समझ आ गया होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हेन टू रिएक्टेंट दोनों कंपाउंड ले लिए, एन ए ओ एच प्लस एच सी एल, एक्सचेंज देयर आयंस। देखिए एन ए पे कौन सा चार्ज होता है? अगर आप इसे डिकम्पोज करोगे, यदि हम तोड़े इसे, तो ये टूटेगा, एन ए पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव। HCl को हम तोड़ेंगे, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अपोजिट चार्ज में हमेशा अट्रैक्शन होता है, याद रखने वाली बात है। तो इन दोनों में अट्रैक्शन हो गया, ये इसके पास आ गया, तो हमने H2O बार निकाल दिया और NaCl आपस में जुड़ के NaCl बन गया। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अच्छा, एक आपने आपकी बुक में एक्टिविटी सीरीज दे रखी है जिसमें आपने एक याद करना है। जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ कि आप गोल्ड, हम जो भी अपने ज्वेलरी पहनते हैं वो गोल्ड या सिल्वर की पहनते हैं जी, की ना मैक्सिमम। तो ये हम क्यों पहनते हैं? क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है।
आपकी बुक की एक्सरसाइज के अंदर टेबल दे रखा है 6.1, उसके अंदर ही अच्छे से आप एक्सप्लेन किया हुआ है कि कौन से हाईली रिएक्टिव है, कौन से लीस्ट रिएक्टिव है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो इस टेबल को देख के बन रहा है कि आप गोल्ड और सिल्वर की ही ज्वेलरी क्यों पहनते हो, बिकॉज दे आर लीस्ट रिएक्टिव। कॉपर की भी पहनते हो तो वो भी टेबल के अंदर सबसे नीचे है, बिकॉज दे आर लीस्ट रिएक्टिव, ये इजिली किसी के साथ जल्दी से रिएक्ट नहीं करते, इसलिए हम इसकी ज्वेलरी यूज करते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन आप याद कर लेना, वाई वी यूज गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट्स, बिकॉज दे आर लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, सो दे आर यूज इन ज्वेलरीज। और एग्जाम्पल देखना चाहिए आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, CuSO4 प्लस NaOH। इक्वेशन लिखते समय हमेशा याद रखना कि इक्वेशन हमेशा बैलेंस होनी चाहिए, Na2SO4 प्लस CuOH की ट्वाइस। तो आपको क्लियर हो गया कॉपर OH के साथ और SO4 आपस में, ये देखिए इन दोनों को मैंने उठाया, अब यहाँ Na2 था इसलिए मैंने इसको बैलेंस कर दिया। एक वीडियो मैं आपको बना दूंगा कि इक्वेशन बैलेंस कैसे होती है, बिल्कुल इजी तरीका। चलिए आगे, हम दो छोटे टॉपिक हैं, रिएक्शंस हैं, जैसे स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन देखिए नाम ही स्लो है, रिएक्शन विच टेक 1 hour, 1 day, 1 month, 1 year और मोर देन टाइम, दैट इज नोन एज स्लो रिएक्शन। सच टाइप ऑफ रिएक्शन विच टेक 1 hour, 1 day, 1 minute टू कंप्लीट, दैट रिएक्शन आर नोन एज स्लो रिएक्शन। जैसे एग्जाम्पल रस्टिंग ऑन आयरन इफ वी परचेज एनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर फ्रॉम मार्केट विच इज मेड अप ऑफ आयरन, देन इट टेक मिनिमम मोर देन 1 day फॉर रस्टिंग। यदि हम बाजार से कोई भी सामान आयरन का खरीद के लाते हैं तो उसे रस्टिंग होने में 1 दिन से कम ज्यादा समय लगता है, तो वो स्लो रिएक्शन होगी। और फास्ट रिएक्शन विच टेक 10^-9 या 10^-10 सेकेंड टू कंप्लीट, सिंपल डेफिनेशन, वो रिएक्शन जिसे होने में 10^-9, 10^-10 सेकेंड लगते हैं कंप्लीट होने के लिए, उसे हम कौन सी रिएक्शन के नाम से जानते हैं, फास्ट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो फास्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल हम ऊपर कर ही चुके हैं, जैसे NaOH प्लस HCl आफ्टर रिएक्शन NaCl प्लस H2O, ये हम कहेंगे बेस है, ये एसिड है और ये आपका साल्ट प्लस वाटर। मींस ये है कि एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करते हैं आपस में तो इनको बहुत ही कम समय लगता है, दे टेक लेस टाइम, मींस सेकंड भी नहीं लगता, लेस देन 1 second टाइम। सो दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज फास्ट रिएक्शन। तो एक बार दोबारा देख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें हाईली रिएक्टिव लीस्ट रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसके अंदर मैंने आपको एक्टिविटी बताई, हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर कॉपर सल्फेट .5H2O एक्वस सॉल्यूशन डाला जिसे ब्लू विट्रोल के नाम से जानते हैं, और हमने क्या ऑब्जर्व किया, और उसमें आयरन नेल डाल दी, देन हमने ये ऑब्जर्व किया कि आयरन नेल का जो कलर था वो ग्रे से रेडिश ब्राउन हो गया और जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था वो ब्लू से कैसा हो गया, फेडेड हो गया। उसका रीजन ये था कि कॉपर सल्फेट फेरस सल्फेट में कन्वर्ट हो गया और जो फेरस कॉपर सल्फेट फेरस सल्फेट में कन्वर्ट हो गया और जो कॉपर आया था वो आयरन नेल के ऊपर सबमिट हो गया, इस वजह से उसका कलर कैसा हो गया, चेंज हो गया। आगे बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, 2 or more कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस, दैट इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखना, ज्वेलरी हम गोल्ड और सिल्वर की क्यों यूज करते हैं, वो लीस्ट रिएक्टिव है, वो आपसे कि आप कॉपर की भी क्यों यूज करते हो, देन वो लीस्ट रिएक्टिव है मतलब दूसरे एलिमेंट से कम रिएक्ट करते हैं,
स्लो रिएक्शन जिसे कंप्लीट होने में 1 आवर 1 डे 1 मंथ लगते हैं, जैसे रस्टिंग ऑन आयरन, और फास्ट रिएक्शन जिसे कंप्लीट होने में काफी समय लगता है। काफी समय का मतलब यदि हम कहें काफी कम समय लगता है, सॉरी काफी कम समय का मतलब सेकेंड्स में भी कम समय लगता है। इसका रस्टिंग ऑफ आयरन की क्वेश्चन रह गई थी, वो आप देख लीजिए, 4Fe+3O2 आफ्टर रिएक्शन 6H2O, सॉरी इसे काट दीजिए, तो यहां लिख देता हूं Fe+O2+6H2O, देन आफ्टर रिएक्शन Fe2O3.3H2O, ये रस्टिंग का फॉर्मूला आपका। ओके, थैंक यू।